बिजली कटौती को लेकर जमकर हुई नारेबाजी। 12 बजे तक बंद रहा ऑफिस, खिड़की पर खड़े दिखे सैकड़ों लोग। 12:09 पहुंचे विभाग के जी जसप्रीत सिंह, आते ही ग्रामीणों पर भड़के बोला, क्यों भीड़ लगाए हैं? तभी ग्रामीणों ने पूछा, साहब कहाँ है आपका मास्क? पूरा मामला सिंगरौली जिले के विद्युत वितरण केंद्र निवास का है, जहां दिए जा रहे बढ़े हुए बिल, लगातार हो रही अघोषित कटौती के निराकरण हेतु ग्रामीणों ने सामूहिक आवेदन दिया है। 3 माह पूर्व बिजली विभाग के जेई जसप्रीत सिंह के आते ही कटौती सब स्टेशन निवास बिजली विभाग के ऑफिस अंतर्गत आने वाले गाँवों की बिजली व्यवस्था विपटरी हो गई है। लगातार 3 महीने से 24 घंटे में 4 से 6 घंटे ही बिजली देखने को मिलती है, वहीं गरीबों को हजारों रुपए का बिल थमाया जा रहा। कई वर्षों से 2 कमरे के निजी भवन में संचालित हो रहा बिजली विभाग कार्यालय, जबकि 1 वर्ष पूर्व से बन चुका है विभाग का शासकीय भवन, एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ असीमित बिजली बिल की भरमार हद हो गई। जब बीपीएल धारक उपभोक्ता का पूर्व में आ रहा था 100 रुपए बिजली का बिल, अब थमाए जा रहे हजारों का बिल। जेई ने 8 दिवस के अंदर सुधार का आश्वासन दिया है, ग्रामीणों ने सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज यहाँ बिजली ऑफिस में इतनी बड़ी तादाद में किस उद्देश्य से आए थे, क्या परेशानी थी, क्या वजह थी? जो यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे सब परेशान लोग, कहाँ कहाँ से ये लोग आए हुए थे? बिजली की समस्या से सारे लोग परेशान हैं। निगरी निवास, महुआ गांव, कुंडली, हरदी, कटाई, पापड़, करीब 10 गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। और उनकी सबसे बड़ी समस्या है जो अघोषित बिजली रोजाना कटौती होती है। दिन में तो कम से कम 10-10 घंटे कटी जाती है लाइट। और जो वोल्टेज की समस्या है तो बिल्कुल इतनी लो वोल्टेज है कि किसानों का पंप बिल्कुल नहीं चल रहा है, घर में पंखे तक नहीं चल रहे हैं। तो वही सब लोग आज इकट्ठे हुए थे। दूसरी समस्या ये है कि जो बिल नीति आ रही है, कहने के लिए तो सरकार कह रही है कि छूट में है, वर्तमान माह का बिल लगेगा, लेकिन उसमें भी 2300-2400 रुपये बिल आ रहा है एक लोगों का। अच्छा, उनके घर में ये बिल उनके पूछने से पता चलता है कि केवल 1 बल्ब जलाते हैं। अभी देखा गया 1 बजे इसका गेट खुला है बिजली विभाग का, ये 1 बजे तक कैसे बंद रह गया, आपकी जानकारी में है क्या ये? नहीं, बिल में तो बिल जमा कर रहे थे खिड़की से, और कर्मचारी न होने की वजह से अभी जेई साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी नहीं थे, इसके वजह से वो जो बिल जमा कर रहा था खिड़की से बिल जमा कर रहा। आप लोग जिस उद्देश्य से आए थे, जिन परेशानियों को लेकर आए थे, क्या उनका निराकरण हुआ, क्या आश्वासन मिला? नहीं, उसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है कि 10 दिन के अंदर हम समाधान करेंगे, अगर 10 दिन के अंदर नहीं हुआ फिर इसका बिजली ऑफिस का घेराव किया जाएगा, आंदोलन करेंगे, अगर 10 दिन के अंदर समाधान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करेंगे।